गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज गौरव जैन और आज एक गाइडेंस मैं लेके आ रहा हूँ। दिस इज स्पेशली फॉर द सीए इंटर स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट नवंबर 2023 में है, तो वो लोग काफी कंफ्यूजन में है। कुछ लोग वहां पर जो इनका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है नवंबर 2023 में, वो सोच रहे हैं कि क्या मुझे बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करनी चाहिए, एक ग्रुप की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं ये क्लियर आपको गाइडेंस देने वाला हूं कि वहां पर किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। साथ में वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दिया है मई 2023 में और उनको लगता है कि मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए हैं, तो क्या मुझे सेकेंड ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या मुझे वहां पर रिजल्ट का वेट करना है। तो ये जो यहाँ पर पूरी वीडियो है उन स्पेशली जो कंफ्यूजन में लोग हैं, जो कंफ्यूजन में स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले जिनका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है नवंबर 2023 में, शुड गो फॉर द बोध ग्रुप। याद रखना, उनको बोध ग्रुप के लिए ही जाना है। अपने आप को रिलैक्स ना करें, प्रेशर में रखें और अपनी बोध ग्रुप की प्रिपरेशन करें। और बोध ग्रुप अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो डेफिनेटली वहां पर नवंबर 2023 में आपके बोध ग्रुप निकल जाएंगे। प्रेशर थोड़ा लें, अभी आपकी फर्स्ट ग्रुप की कोचिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होंगी। हो सकता है एक सब्जेक्ट या आपका कुछ पार्ट वहां पर रहता हो, तब भी आपको क्या करना है कि अपनी सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एडवांस अकाउंट है, एफएमई को है, उसको टारगेट करना है। और साथ में जो बैलेंस आपके थ्योरी के सब्जेक्ट है, ऑडिट है, ईआईएसएम है, उसको भी टारगेट करना है। ठीक है, तो अपने आपको बिल्कुल रिलैक्स नहीं होने देना है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखनी है और वहां पर प्रेशर लेके अपने पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करो और बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करो। आप इजिली टारगेट कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, आराम से अपने बोध ग्रुप आप दे सकते हैं। आप कोई भी कोई नई बात ना सुने, नया कोर्स आएगा वो एप्लीकेबल होगा मई 2024 से, जो भी होगा बाद की बात है। आप अपने नवंबर 2023 को खराब ना करें, अपने बोध ग्रुप को टारगेट करें। और बोध ग्रुप अगर आपने टारगेट किया तो डेफिनेटली यू अचीव योर टारगेट। समझ पा रहे, आपका टारगेट अचीव होने वाला है। तो कंफ्यूजन में ना रहे, अपने बोध ग्रुप की प्रिपरेशन करें और इजिली आप उसको कवर कर सकते हैं। अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को वहां पर ज्यादा टाइम दे सकते हैं, उसको अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी पूरी जो भी प्रैक्टिस है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिन लोगों का फर्स्ट टाइम नवंबर 2023 में अटेम्प्ट है उनको बोध ग्रुप के लिए ही जाना है। अपनी सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन को वहां पर कैरी ऑन करें और अच्छे से प्रिपेयर करें, थोड़ा प्रेशर लें और फिर देखना वहां पर आपकी सक्सेस वहां पर डेफिनेटली होने वाली है। ठीक है, दूसरे जो वहां पर स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी मई 2023 में अटेम्प्ट उन्होंने दिया है, वो फर्स्ट ग्रुप उन्होंने सिर्फ दिया है और उनको लग रहा है कि मेरा बहुत अच्छा नहीं गया है, मुझे वहां पर दोबारा हो सकता है कि दोबारा देना पड़े, तो कुछ ना सोचे सर। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, आपने जो भी अटेम्प्ट दे दिया है उसके बारे में ना सोचिए। रिजल्ट जब आएगा, जब आएगा, आप अपनी सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन डेफिनेटली स्टार्ट करें और बहुत अच्छे से स्टार्ट करें। यू हैव एम्पल टाइम, जो होगा देखेंगे रिजल्ट के बाद। अभी अपना टाइम वेस्ट ना करें, यू शुड गिव योर 100% फोकस ऑन योर ग्रुप टू। ग्रुप टू को वहां पर अचीव करें, उसकी कोचिंग जो आपको स्टार्ट करनी है या आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो उसको रिवाइज करना स्टार्ट करें। ऐसा ना सोचे कि वहां पर जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे, तब टाइम जा चुका होगा, आप वहां पर कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो मैं आपको अभी बता रहा हूं, डिसीजन का टाइम अभी है, आपको अभी डिसीजन लेना है और अपनी प्रिपरेशन आज ही से स्टार्ट करें। जो भी सेकंड ग्रुप के सब्जेक्ट आपने पहले से पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज करना स्टार्ट करें और जिन सब्जेक्ट की कोचिंग आपको लगता है कि अभी रहती है तो आज ही से स्टार्ट करें, उसके लिए वेट ना करें। ठीक है, तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए यहां पर आपके पास देख लीजिए पूरा टाइम है। आप अपने नवंबर 2023 के एग्जाम्स को एकदम परफेक्ट बना सकते हैं, अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आपको कोई नए कोर्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि वहां पर क्या कंडीशन बनेगी, मेरा कौन सा सब्जेक्ट एग्जम्प्ट हो जाएगा, कौन सा एग्जम्प्ट नहीं होगा, उसके बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है। यू शुड गिव योर 100% फोकस On November 2023, तो ये definitely ध्यान रखना, आपको अपना पूरा focus बनाए रखना है। साथ में एक information भी है कि मेरा एक face to face batch start हो रहा है in लक्ष्मी नगर, तो face to face batch में आपके पास FM Eco वहां पर होगा, साथ में अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो रहे हैं, एडवांस अकाउंट्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपना वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को जरूरत है तो वहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम 8 जून, 8 जून से स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग में 8 AM से स्टार्ट होगा बैच, 8 टू 11 होगा और कैरी ऑन होगा, साथ में अदर सब्जेक्ट्स भी चलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली पूरी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे चल रही है, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो पूरा फेस टू फेस बैच पे भी फोकस कर सकते हैं। मैं स्पेशली छोटा सा बता देता हूँ एफएम के बारे में,
कि जो हमारा एफएम का बैच है वो पूरा फुल फ्लेज आपका कंप्लीट होगा, टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में आपको कोई यहाँ पर होमवर्क वगैरह मैं नहीं देता हूँ, मैं सीधा पूरा क्लास के अंदर ही टारगेट करता हूँ। तो तीन चीजों पे मेरा पूरा फोकस रहता है अपने क्लासेस में, दिस इज रिलेटेड टू एफएमई को। पहला नंबर वन है, दिस इज 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों बना, क्योंकि काफी लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है। नया सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि ये पहली बार ही आप पढ़ रहे हैं, उससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। पूरा स्टॉक मार्केट इससे लिंक्ड है, तो आपको उसकी स्टॉक मार्केट की भी पूरी नॉलेज होगी। तो मैं पहले आपको 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा, साथ में उसका प्रैक्टिकल लिंकेज दूंगा। व्हाट इज प्रैक्टिकल लिंकेज, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या उसका यूज है, हम उसको किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो वो पूरा पार्ट में साथ में अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ कवर करता हूँ। क्योंकि अपना पूरा स्टॉक मार्केट का काम है, तो हम स्टॉक मार्केट को पूरा लिंक करके चलते हैं। जो भी आपको कैसे शेयर परचेस करना है, कैसे वहां पर एनालिसिस करनी है, किस कंपनी का स्टॉक खरीदना है, तो उसके लिए हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं, क्या एनालिसिस पार्ट है, इक्विटी रिसर्च कैसे होती है, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे होती है, तो वो सारा पार्ट, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज लिंक टू द फाइनेंशियल एनालिसिस, इक्विटी एनालिसिस, तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर हम क्या करने वाले हैं। तो पहला पार्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल लिंकेज, वो हम करने वाले हैं। साथ में आपके पास यहाँ पर हम पूरा इंस्टीट्यूट का 100% जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो हम कवर करने वाले हैं। प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन, आरटीपी, एमपीटी, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं, क्लास के अंदर ही कवर करने वाले हैं। ऐसा कोई होमवर्क होमवर्क आपको मिलने वाला नहीं है, पूरा क्लास के अंदर ही पूरा कवरेज है, फेस टू फेस है। आप जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मेरे से फेस टू फेस पूछ सकते हैं। लक्ष्मी नगर में बैच स्टार्ट हो रहा है 8 जून से, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा आपके साथ वहां पर फेस टू फेस बैच हो रहा है, ये समझ लेना, ये कोई ऑनलाइन बैच नहीं है। ऑनलाइन में आपको प्रॉब्लम होती होगी कि आधा घंटा पढ़ा फिर छोड़ दिया, फिर वहां पर आधा घंटा पढ़ा फिर छोड़ दिया, वो लिंकेज नहीं बना पाते होंगे। बट फेस टू फेस बैच में डायरेक्टली आप 2 से 3 घंटे पढ़ने वाले हैं, आपका यहाँ पर क्लासरूम में कवरेज होने वाला है, तो आप अपना और बैलेंस पार्ट अपना जो टाइम है उसको अदर सब्जेक्ट पे दे सकते हैं। बट एक सब्जेक्ट आपका मॉर्निंग में आपका डायरेक्टली कवर होने वाला है फेस टू फेस, पूरा लिंकेज बनेगा, पूरा क्लास को हम यूटिलाइज करेंगे। कोई यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास पूरा जितना भी हमारे नॉलेज है, मेरी नॉलेज है, मैं आपको वहां पर देने वाला हूँ। तो यही हमारा टारगेट होता है, सीए फाइनल में भी यही टारगेट होता है, सीए इंटर में भी यही टारगेट होता है, ठीक है। तो दिस इज द फेस टू फेस बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 8 जून मॉर्निंग में 8 AM से 11 AM तक वो चलने वाला है। तो आप एक बार देख लीजिए, सोच लीजिए और ज्वाइन करिए यहाँ पर 8 जून को, और वहां पर देखिए कि वहां पर किस तरह से मैं आपका एफएम वहां पर इको कवर करने वाला हूँ। दोनों सब्जेक्ट आपके कवर करने वाला हूँ फेस टू फेस, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, सीधा फेस टू फेस बैच होने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गाइडेंस टू द सीए इंटर स्टूडेंट्स। तो वो लोग भी सोच ले जिनका अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम है नवंबर 2023 में, और जिन्होंने वहां पर फर्स्ट ग्रुप दे चुके हैं, सेकंड ग्रुप के लिए वेट कर रहे हैं कि कोचिंग लेना लें, तो वो भी वहां पर सोच सकते हैं। तो ये आपके पास देख ले, दिस इज ऑल अबाउट योर गाइडेंस टू द सीए इंटर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।